आदेश जय महाकाल। मैं विश्वनाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तंत्र क्रियाएं ब्लैक मैजिक। आज के समय में बहुत आसान हो गया है इन चीज़ों को समझना, सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। तो पहले ही लोग जानते थे कि तंत्र क्रियाएं होती हैं। तंत्र विद्याओं के माध्यम से ब्लैक मैजिक करना, किसी का बुरा करना बहुत आसान है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जानने लगे हैं लोग। और ख़ासकर छोटी छोटी सी चीज़ें जब लोगों के जीवन में होती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में ब्लैक मैजिक किया गया है, तंत्र क्रियाएं की गई हैं। तो ये कैसे हम जान सकते हैं कि ब्लैक मैजिक हुआ है, तंत्र क्रियाएं हुई हैं या नहीं हुई हैं? हमारे जीवन में जो समस्याएं हो रही हैं वो तंत्र क्रियाओं की वजह से हो रही हैं, ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही हैं या सामान्य स्थितियों की वजह से हो रही हैं? बहुत बारीक सा फर्क है। आज के समय में ज़्यादातर महिलाएं जो हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर तंत्र क्रियाएं की जा रही हैं, उनके सास के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, वो बीमार हो रहे हैं, ऐसे लोगों को भी लगता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा तंत्र क्रियाएं या ब्लैक मैजिक या कोई भी प्रक्रिया को करने के लिए समय लगता है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक करना बहुत आसान है, किसी पर भी तंत्र क्रियाएं करना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। तंत्र क्रियाओं के लिए भी समय देना पड़ता है। यदि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करना है किसी को, यानी डार्क एनर्जीज का प्रयोग उसके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए, तो उसमें भी समय लगता है। आसान नहीं है ये सब करना। आज के समय में जितना अच्छा सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जान पाते हैं, उतना ही ज़्यादा अंधविश्वास भी लोगों के मन में घर करता चला जा रहा है। लोगों को यदि छोटे छोटे से भी समस्या होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तंत्र क्रिया उनके ऊपर की गई है। किसी को शरीर में चर्म रोग हो रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई टोटका किया है। यदि परिवार में झगड़े होने लगते हैं तो भी ऐसा लगता है व्यक्ति को कि उसके ऊपर किसी ने टोटका किया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा तंत्र क्रियाएं ऐसे छोटे छोटे कार्यों के लिए नहीं होती हैं और ना ही ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए ब्लैक मैजिक का प्रयोग होता है। ब्लैक मैजिक या तंत्र क्रियाएं जब किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं तो उनके सिम्टम बहुत अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के शरीर में चर्म रोग हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि लोगों को लूज मोशन लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं है कि तंत्र क्रिया करने से झगड़े होने लगेंगे। इनके प्रभाव बहुत अलग होते हैं। जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है तो उसका माइंड उसके नियंत्रण में नहीं होता है। और ब्लैक मैजिक जो भी व्यक्ति करवा रहा है या कर रहा है, उसका ध्येय केवल ये होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर किया जा रहा है उसके जीवन को कैसे बर्बाद किया जाए, यानी उसको मानसिक विक्षिप्त कैसे किया जा सकता है या कैसे उसको सुसाइड के लिए प्रेरणा दी जा सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ब्लैक मैजिक किया जाता है। कोई भी ब्लैक मैजिक किसी को शरीर में फोड़े फुंसी करने के लिए, चर्म रोग करने के लिए, छोटे छोटे झगड़े लगाने के लिए प्रयोग नहीं होते हैं, क्योंकि इन सब में समय लगता है और मेहनत लगती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि यदि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हो रही हैं कि छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ा हो रहा है आपका, या आपको शरीर में चर्म रोग हो रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि स्वाभाविक स्थितियां हैं। कई बार लड़ाई झगड़े की वजह है, मनमुटाव भी होता है, आपसी विचारों को तालमेल ना होना भी होता है। हर चीज़ को आप तंत्र से या ब्लैक मैजिक से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक तंत्र क्रिया करने के लिए व्यक्ति को समय देना पड़ता है। जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं या तंत्र क्रियाएं करने वाले लोग हैं, जब वो किसी के ऊपर डार्क एनर्जी का प्रयोग करते हैं
या किसी भी स्प्रिट का प्रयोग करते हैं तो उन्हें समय देना पड़ता है उसके लिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, और रोज़ 4-4 5-5 घंटे बैठना पड़ता है, तब जाके उस चीज़ का असर व्यक्ति के ऊपर नज़र आता है। सिर्फ किसी के घर के बाहर लौंग डाल देने से, नींबू फेंक देने से कोई तंत्र नहीं होते हैं। इसलिए अंधविश्वास से बचें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ऐसी स्थितियां हो रही हैं तो उसकी वजह जानने और समझने की कोशिश करें। आदेश जमा करें।